मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत ज़रूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आए रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया, जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, हमने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफ़ी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे, तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूँ। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा सजोएंगे। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे, और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था, और कुछ मूल्यों के प्रति वो पूरे जीवन भर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं। और एक फर्म कन्विक्शन के एक ऐसे नेता थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक मान्यता थी। और देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की, और अंतिम समय तक वह बराबर सरकार चलाते रहे। उनके अंदर जब वह बीमार थे तो मैं स्वयं मिला था, लेकिन उस समय भी मैंने देखा कि वह एक उत्साह से भरे हुए थे पूरी तरह से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पार्टी की भारी क्षति हुई है, और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है, एक व्यक्तित्व तो हम सबके बीच से चला गया। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी का आज दुखद निधन हुआ, ये हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार का समाचार है। मनोहर पर्रिकर जी एक उच्च शिक्षित लेकिन जनता के नेता थे, जनसामान्यों के लिए उन्होंने हमेशा काम किया, वे भारत माँ के सच्चे सपूत थे। गोवा के राजनीति में उन्होंने राजनीति का एक नया स्तर कायम किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, उनके कार्यों को गोवा कभी भुला नहीं सकता। गोवा में जिस समय आया राम गया राम की राजनीति चलती थी और लगातार सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप होते थे, ऐसे समय एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गोवा को एक स्थायी सरकार तो दी, लेकिन उसके साथ साथ एक पारदर्शी और काम करने वाली सरकार दी। आधुनिक गोवा के निर्माण में मनोहर जी का जो योगदान है, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनोहर पर्रिकर जी की अचानक और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा। मनोहर पर्रिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी, जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए, शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। उनके इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूर्ण सहानुभूति उनके पूरे परिवार के साथ। गोवा के मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी हम सबके बीच में नहीं रहे। मनोहर पर्रिकर जी का
हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है। बचपन से एक कार्यकर्ता के नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्रभक्ति के संस्कार के साथ मृत्यु पर्यंत सार्वजनिक जीवन में अनेक बड़े बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी निष्कलंक जीवन रहा, राष्ट्रभक्ति हमेशा सर्वोपरि रही, सादगी के गुण को उन्होंने आजीवन संभाल कर रखा, संजो कर रखा। देश के रक्षा मंत्री नाते देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने कुशल प्रशासक के परिचय देश भर को दिया। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी ने जो उत्कृष्टतम सेवाएं इस देश को दी हैं वह सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले एक सच्चे देशभक्त थे। सार्वजनिक जीवन में रह करके सादगी पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण से मनोहर पर्रिकर जी थे। पर्रिकर जी से हमारा बहुत पुराना वास्ता है। वो गोवा के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, यहाँ भी वो फौज के मंत्री थे, बहुत सज्जन और भले इंसान थे वो, और असाध्य रोगों से घिरे हुए थे। आज उनका निधन हो गया है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के ऊपर ये बड़ा भारी वज्रपात है और उनका निधन जो है वो गोवा की राजनीति जो है उसमें एक बड़ा शून्य पैदा करेगा, इसलिए ये दुखद है। मनोहर पर्रिकर एक बेहद ही अच्छे इंसान थे, बहुत मेधावी नेता और कमिटेड वर्कर ऑफ द पार्टी। गोवा के लिए उन्होंने केवल सपने नहीं देखे, वो साकार करके दिखाए, और रक्षा मंत्री करके भी उनका पूरा जीवन शुचिता का एक पाठ है और पूरे देश को उन्होंने रुलाया है आज, क्योंकि कैंसर की बीमारी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना, और पिछले महीने में हमारे NIT का शिलान्यास उनके घर में ही हमने किया और तब भी उनके जज्बे को सलाम करने के लिए ही मैं गया था, तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है। सेंसस ऑन सीएम कैंडिडेट वुड बी कम बाय मॉर्निंग, सो फार नथिंग हैज कम, सो डॉक्टरी काइंड ऑफ नजर, सो बाय व्हेन इट इज कैन बी एक्सपेक्टेड, द वोटिंग कैन बी एक्सपेक्टेड बाय टुमारो 4 o'clock, नॉट इन द मॉर्निंग टुडे, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टुमारो, ओके, टुडे मनोहर जी फाइनल राइट्स एंड ऑल दोस अदर थिंग्स हैव टू बी डन।
That is the first priority. After it that, will follow. It will come in place. But what about the name of CM candidate? Consensus Bagita Dala? No, so far there is no consensus. No consensus. And it will come out by tomorrow. But a solution would come out. Solution will come. Okay. Solution will come. What about the coalition partners and also the alliance bad? See. Bangra Vitake, Sudhin Dhawlikar, Sudhin Dhawlikar also wants to become the chief minister. He has put his demand. That is being worked out. He said, I have sacrificed many a times by supporting the BJP. So he wants to become the minister. But BJP will not agree to that. So okay. That has to be worked out. Goan politics will not be the same again. हम उनके ओपोजिशन में भी थे मैं एक टॉप लेजिस्लेटर एक लीडर जिसने मतलब ग्रास रूट के आदमी को ऊपर बना के ये पार्टी बनाया और एक गोवा का मॉडर्न गोवा का आर्किटेक्ट वी मिस हिम अलॉट जोड़ के एक सवाल ये कि आपने कहा था कि हमने समर्थन जो दिया वो मनोहर पर्रिकर हाँ दिया था श्योरली बीजेपी को नहीं तो क्या वो स्थिति अभी है अब मनोहर पर्रिकर नहीं रहे मनोहर पर्रिकर नहीं है इसलिए सब ऑप्शंस ओपन है ऑप्शन तो बहुत होते हैं अब देखो इंडिया का हिस्ट्री में गोवा से ज्यादा केस लॉ आता है तो ऑप्शन बहुत ऑप्शन ओपन है पर हमको गोवा में स्टेबिलिटी चाहिए हमको एक डिसोल्यूशन हाउस का नहीं चाहिए और सस्पेंडेड एनिमेशन में भी हाउस जाना गोवा के जनता के लिए के भले में नहीं होगा तो वो सब प्रिवेंट होना जरूरी है और इसके लिए गोवा को एक अच्छा डायरेक्शन आगे देने के लिए ये लीडरशिप हम चुनने में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं।